हेलो फ्रेंड, मैं हूं शुभजीत मंडोल और आप देख रहे हो शुभजीत क्रिकेट न्यूज। शुभजीत क्रिकेट न्यूज फिर एक बार आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेकर आए। आइए देखते हैं क्या है इस लेटेस्ट न्यूज। उमरान मलिक को मिला पूर्व चयनकर्ता के साथ T20 विश्व कप टीम की जगह। उमरान मलिक की तेज गेंदबाजी से प्रभावित भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वंगेशकर का मानना है कि जम्मू कश्मीर के इस युवा गेंदबाज को इस साल होने वाले T20 विश्व कप की टीम में चुना जाना चाहिए। वंगेशकर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि एक उमरान मलिक एक बहुत शानदार प्रभावित है, उसने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया और वो एक मौका का हकदार है। मुझे उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले विमान में होंगे। T20 विश्व कप के इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। राष्ट्रीय चयन समिति के इस पूर्व अध्यक्ष ने कहा, वो युवा है और अच्छा करने के लिए उत्सुक है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो लय में हो। उमरान ने इस साल IPL में सनराइज हैदराबाद के लिए 14 मैच में 22 विकेट लिए थे। उन्होंने हालांकि लगातार 95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी सुर्खियों में करती है। उसका इनाम उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में जगह के साथ मिला था। वो आयरलैंड दौरे पर गई है, T20 में भी शामिल है। वंगेशकर ने 1983 विश्व कप की विजेता टीम के साथ है और रहे थे और वो ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और आयरलैंड के खिलाड़ी भी रोजाना विग्नी की भारत की पूर्व आयरलैंड खिलाड़ी रॉजर बिग्नी को भी लगता है कि उमरान का तीनों प्रतिरूप में मौका दिया जाना चाहिए। बिग्नी ने कहा, निश्चित रूप से अब तेज गेंदबाजों को एक बड़ा सुनहरा आने वाला है और उसे के तुरंत मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि उसकी गति दूसरे से तेज है। उसने IPL में कुछ कमाल के आंकड़े डाले थे। ऐसे में आप किसी युवा खिलाड़ी को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं कर सकते। तो आप भी चाहते कि उमरान मलिक T20 विश्व कप में शामिल हो तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राय भेज दीजिए उमरान मलिक की जगह मिलना चाहिए या नहीं।